नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं सुख समृद्धि और भाग्योदय कराने वाले कुछ सरल और चमत्कारी उपायों के बारे में। भाग्योदय करने के लिए करें ये उपाय तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए आप प्रातः सुबह उठ करके जो भी स्वर चल रहा हो वही हाथ देख करके 3 बार चूमें, तत्पश्चात वही पांव धरती पर रखें और वही कदम आप आगे बढ़ाएं। ऐसा नित्य प्रतिदिन करने से, जीवन की एक आदत बना लेने से निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने कहा जो भी स्वर चल रहा हो ये कैसे जाने, इस स्वर का क्या मतलब है। जब आप बेड पर उठते हैं सो करके तो स्वर कैसे पहचानते हैं, मैं आपको आज टेस्ट करके बताता हूँ। प्रैक्टिकल आप देखिए, आपको अपनी नाकों के आगे अपने हाथ को रखना होता है। आप किधर से सांस ले रहे हैं, किधर से छोड़ रहे हैं, ये चेक करिए। अब मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस नाक से, इस छिद्र से सांस ले रहा हूँ, तो मुझे जो है अपना ये वाला पैर आगे बढ़ाना, यानी मैं अपना राइट लेग आगे बढ़ाऊंगा। इसी प्रकार आप किस छिद्र से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ये आपको चेक करना चाहिए। ये आपको पता चल जाएगा, आप अपने हाथ को रख करके अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं आयुर्वेद में और ज्योतिष में, धर्मशास्त्र में, स्वर चलना कहते हैं। कौन सा स्वर चल रहा है, आप ऐसे अपना स्वर चेक कर लीजिए। और किसी भी शुभ काम को करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले, अपनी बॉडी को नेचर के साथ ट्यून करना बहुत ज़रूरी होता है। तब आपकी वाइब्रेशंस जो है इस यूनिवर्स के साथ मिलेगी और आप जीवन में सक्सेस को पा पाएंगे। तो अपनी बॉडी को ट्यून करिए और दिन के शुरुआत के साथ ही ट्यून करिए, बेड उसी के साथ छोड़िए, फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, त्वचा का रोग यदि है, अगर आपको स्किन एलर्जी या स्किन डिजीज़ है तो आपको क्या करना चाहिए। त्वचा संबंधी रोग केतु के दुष्प्रभावों से बढ़ते हैं। यदि त्वचा संबंधी घाव ठीक नहीं हो रहा हो तो शाम के समय में, यानी सायंकाल के समय में, मिट्टी के एक पात्र में पानी रख करके उसमें सोने की अंगूठी या एक कोई आभूषण आप डाल दें। कुछ देर बाद उस पानी से घाव को धोने के बाद अंगूठी निकाल करके रख लें तथा पानी किसी चौराहे पर, जो बचा हुआ पानी है किसी चौराहे पर जा करके फेंक आएँ। ऐसा 3 दिन लगातार करने से रोग जल्दी ठीक होने लगता है। ये उपाय मंगलवार से शुरू करना चाहिए। अब जानते हैं मंदी से छुटकारा पाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए। जो उपाय बताता हूँ इसे आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भर करके उस शीशी को किसी तालाब या बहती नदी के जल में आप जा करके डाल करके चले आइए। शीघ्र ही मंदी का असर जाता रहेगा, समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार जो है चल निकलेगा, आपके बिजनेस में जान आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं कि हमें हमेशा अंदर से कुछ एक अनजाना सा भय लगा रहता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, अंदर से डर लगता रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको बिना किसी कारण भय डर रहता हो, या सांप बिच्छू या अन्य जो वन्य पशु हैं उनका भय आपको सताता रहता हो, तो ये उपाय आप करें, आपको फायदा मिलेगा। बांस के पेड़ की जड़ को जला करके उसे कान पर धारण करने से किसी भी प्रकार का भय मिट जाता है। निर्गुंडी की जड़ अथवा मोर पंख घर में रख देने से भी सर्प कभी घर में प्रवेश नहीं करते। रवि पुष्य योग में प्राप्त सफ़ेद चादर की जड़ ला करके दाई बुझा पर बांधने से वन्य पशुओं का भय नहीं रहता, साथ ही अग्नि भय से भी छुटकारा मिल जाता है। केवड़े की जड़ ला करके कान पर धारण करने से शत्रु भय मिट जाता है। ये बहुत सारे सरल से माने हुए उपाय हैं। अगर आपके परिवार में कोई रोगग्रस्त रहता हो तो जो उपाय बताता हूँ इसे अवश्य करिए। अगर स्वास्थ्य में सुधार ना होता हो तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि एक देसी अखंडित पान, यानी एक साबुत पान का पत्ता लेना है, गुलाब का एक पुष्प लेना है और कुछ बताशे रोगी के ऊपर से 31 बार आप उतार लें तथा कोई भी आसपास के जो भी चौराहे हों वहाँ पर जाकर के चौराहे पर रख करके चले आइए। इसके प्रभाव से रोगी की दशा में शीघ्रता से सुधार आने लगता है। अब जो उपाय बताता हूँ इसे पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए।
अगर आपके परिवार में अशांति रहती है और सुख चैन का अभाव है तो प्रतिदिन आपको करना यह है कि रसोई में बनने वाली प्रथम रोटी यानी पहली रोटी के चार भाग कर लें, जिसका एक भाग गाय को, दूसरा भाग काले कुत्ते को, तीसरा भाग कौवे को तथा चौथा टुकड़ा जो है किसी चौराहे पर रखवा दें या स्वयं जा करके आप रखाएं। इसके प्रभाव से समस्त दोष दूर होकर के समाप्त होकर के परिवार में सुख शांति और समृद्धि की स्थिति बनने लगेगी। अचानक सुखी रहना चाहते हैं तो कुछ आपको नुस्खे बताता हूं, इन नुस्खों को आप अवश्य करिए। बृहस्पतिवार या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी तथा थोड़ा सा गुड़ लेकर के इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा ले लीजिए। इन सबको मिलाकर के एक पीले या लाल रंग की पोटली में बांध करके इसको आप बांध लें तथा ससुराल की दिशा में यदि कोई कन्या फेंक दे तो वहां पर हर प्रकार से आपको सुख शांति मिलती है। कन्या अपनी ससुराल में रहते हुए ये उपाय करे। मेहंदी तथा साबुत उड़द जिस दिशा में बंधु का घर हो, आपके भाई का घर हो, आपका मायका हो, उस दिशा में यदि आप फेंकते हैं तो इससे वर वधु में प्रेम बढ़ता है और आपके ससुराल में और मायके दोनों में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी कार्य विशेष के लिए घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर के गाय के गोबर में दबा दें तथा उसके ऊपर थोड़ा सा कामया सिंदूर छिड़क दें तथा जो भी आप काम के लिए जा रहे हैं वह काम बोल करके चले जाएं तो कार्य निश्चित ही बन जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की साधना का बहुत विशेष महीना होता है। सावन के महीने में जब पहली बरसात होती है तो बहते पानी में विवाह करने से या उस पहले बरसात के पानी के जल से छींटे मारने से भी दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अविवाहित व अधिक उम्र की कन्या के लिए विवाह अगर बाधा बन रही है, विवाह में बाधा आती है तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई लड़की अविवाहित है या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इसके कारण विवाह होने में रुकावटें आ रही हैं तो इसके लिए जो मैं उपाय बताता हूँ वो अवश्य करना चाहिए। तो करना ये है कि देवोत्थान एकादशी को कच और देवयानी की मिट्टी की मूर्तें बना करके उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगा करके उनकी पूजा करके उन्हें एक लकड़ी के फट्टे पर आप उनको लकड़ी के फट्टे से ढक लेते हैं। फिर उस फट्टे पर कुमारी कन्या को बिठा दिया जाता है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। विवाह में जो भी बाधा के स्थिति होती है वो दोष जो है वो दूर हो जाता है। किस प्रकार राई आपकी दरिद्रता निवारण कर सकती है ये भी जान लीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। पैसों का कोई जुगाड़ अगर आपके लिए नहीं बन पा रहा हो, बहुत गंभीर आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हो तथा घर में दरिद्रता का वास हो गया हो तो ये उपाय किसी भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डाल करके इस जल को अभिमंत्रित करके जिस भी किसी व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा उसकी दरिद्रता रोग नष्ट हो जाते हैं। अब किस प्रकार से आपको अभिमंत्रित करना है ये भी समझ लीजिए। इसको महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं, नवग्रहों के मंत्र से अभिमंत्रित करें तो आपको फायदा ज़्यादा मिलता है। आप अपना भविष्य सपने में कैसे जान सकते हैं तो आइए मैं आपको आज उसका भी रास्ता बताता हूँ। अगर आप स्वप्न में अपने भविष्य की बात मालूम करना चाहते हैं तो जंगल में जा करके जिस वृक्ष पर अमर बेल हो उसकी 7 परिक्रमा करके अमर बेल युक्त एक लकड़ी को आप तोड़ करके ले आएं, फिर उस लकड़ी को धूप दे करके जला दें तथा लता को सिराने रख करके विचार करते हुए जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं उस बारे में विचार करते हुए सो जाइए तो स्वप्न में भविष्य की बात आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, वह कार्य आपका सिद्ध होना है कि नहीं होना है, सारा दृश्य आपके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगेगा। तो आज मैंने आपको बहुत सारे सरल उपाय बताए, आशा करता हूँ इन उपायों को आप जीवन में प्रयोग में लाएंगे और उनका लाभ लेंगे। भगवान श्री महादेव आपका कल्याण करें, इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।